कुछ ही सेकंड में आपको वादियाँ दिखने वाली है। 3, 2, 1 गो। तो आज भी इस रोड पे रात को लोग थोड़ा डरते हैं। एक तगड़ा सीन नहीं है, इसको बोलते हैं पोपट हो गया। वो देखो इतने बंदे बंदियां ते बंदर तीनों बहुत मिलते हैं। क्यों? सही बात है। सही गल हो। मौज में मौज, मामला टाइट है। सतनाम श्री वाहेगुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत पला वाहेगुरु जो खालसा वाहेगुरु सतनाम श्री। एक बार इसे निहार लेते हैं, गंदी हो रही है भाई। किसी ने दो चार पैग पुग लाने, मजाक करो सिंथेटिक ऑयल है, काम हो जाते हैं। थोड़ी सी वार्म कर रहे हैं। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ संडे राइड के लिए। और यार इतने टाइम से मैं संडे राइड गया ही नहीं था यार। वो वाली जो फील एक्साइटमेंट है ना, रात में सो नहीं पाया ढंग से। बताऊँ तो संडे राइड का रात को कितने बजे प्लान बना? 2 से 3 बजे होगी प्लान बना। चाहे संडे राइड छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, या जैसी मर्जी हो, संडे राइड ही होती है यार। अभी मैं फटाफट निकल रहा हूँ पहले फ्यूल अप के लिए। यार एकदम से गाड़ी से मैं क्या हो गया यार, ये क्या हो गया एकदम। यार टायर तो बिल्कुल ठीक है, चलते चलते बबलिंग से होने लगी। मैं कहा एकदम से क्या हुआ, अभी अभी तो नया टायर डलवाया है, पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। थैंक यू भाई। हाय 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 हाय। देख रही सुबह सुबह का मौसम है, बड़े टाइम से जो मैं मिस कर रहा था यार। अभी आगे आने वाले जिस लोकेशन पे जा रहे ना यार, मतलब तुम्हारे को ऐसा लगेगा हम वादियों में आ गए। वादियों में एकदम कैंट लोकेशन है। मैं बचपन से उस लोकेशन पे जाता था कि ऐसी लोकेशन है ना, पहाड़ों पे है। मतलब तुम्हारे को लगेगा तुम पहाड़ों पे आ गए, पहाड़ों पे ड्राइव कर रहे हो। ऐसी तगड़ी सी लोकेशन है भाई। मॉर्निंग राइड है। अब तो हम स्कूटी से जाते हैं, पहले मैं अपनी साइकिल से भी जाता था। ओके भैया, राम राम, ध्यान रखो। दिल्ली मैंने ऐसे घूमी ना, अपने कुछ दोस्त थे यहाँ, अभी भी है मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मैं साइकिलों पे ना सुबह 4-5 बजे उठ के मैं निकल जाता था। घर पे आता था दोपहर को 12 बजे। माँ का मुँह को भी लेकर चलता था, तब भी मेरे पास 2 व्हील थी, अभी भी मेरे पास 2 व्हील है। थोड़ा सा अपग्रेड होते रहे और आगे भी अपग्रेड होते रहेंगे। पहले यार यहाँ साइड में लगाते हैं गाड़ी। मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज पाजी हमने ये मीटिंग पॉइंट बनाया था। 2000 years later। तो भाई प्रीत पाजी आ गए, कुछ ही सेकंड में आपको वादियाँ दिखने वाली है। 3, 2, 1 गो। ये देखो बंदर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत बंदर है। गए तो ये लोकेशन बहुत तगड़ी है यार। आ गए हम बोनटा। जेडी ये लोकेशन है ना, जिथे तक सानू पता है, ये जो जगह है ना, ये गोरो की टाइम की है, ब्रिटिशर्स के टाइम की है। ब्रिटिशर एक ऑफिसर है जो पहले यहाँ पे लोगों को ना मारता था। आज भी लोगों की थोड़ी बहुत आत्माएं, जगह से कहते हैं स्पिरिट, आज भी यहाँ पे है। बट जो ब्रिटिशर मेन है वो कहते हैं आज भी रात को इस रोड पे घूमता है, लोगों को रोक के सिगरेट मांगता है। तो आज भी इस रोड पे रात को लोग थोड़ा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की मौतें हो चुकी है इस चक्कर में। यहाँ पे सजा मिलती जी जैसे, बस इतना है, आगे चलते फिर। इत्थे आ गए, एवं लगता वादिया च आ गए असी, और देख नहीं रहे पहाड़ा च, एवं लगता शिमला हिमालय दी एवं पहाड़िया च चला रहे गड्डी। आए ओए होए होए भाई, पूरा जंगल इलाका पूरा। गेट बंद है। ओ शिट, कमला नेहरू रिज। वैसे हम बोनटा के नाम से मैं जानता हूँ। ये तगड़ा सीन नहीं है, इसको बोलते हैं पोपट हो गया। वो देखो
पब्लिक ने डंडे लाए रखे मोस्टली यहाँ पे सारे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सांप मिल जाएगा, नेवला, ये सारे मोर वोर बहुत सी सारी चीजें हैं। ब्रावो गाइस, मीं पे आ गया, मतलब बारिश हो गई है और जल्दी से ना बड़ी दिक्कत हो रही है, एक्सप्लोर करना पाऊंगा क्योंकि मेरा फोन था पूरा भिज गया, मतलब पूरा भीग गया बारिश की वजह से, पेड़ की छाव लेनी पड़ेगी, सारा बूट हो गया खराब। हाँ ये देखो पूरा सेटअप निकाल के हमने फिर दोबारा बैग के अंदर डाल दिया, और जितने भी शॉर्ट वॉट लेने थे पाजी ने और हमने सारे निकाल, सब बेकार। बट हाँ रास्ता दिखाते हैं आपको, कुछ ऐसा व्यू अंदर से, और पूरा ऐसा कच्चा पैथ ही है, कैक्टस है। किसी को गिफ्ट करने हो तो इतना ही ले जाओ, क्यों बड़ा ये वाली जो लोकेशन देख रहे हो ना, ओए होए होए इतने फोटोज बढ़िया आएगी, थोड़ा दूर से जाके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, एक आधी क्लिक करते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं कर रखा अपने इंस्टाग्राम पे, तो मैंने डंडी पकड़ ली है, जो बंदा यहाँ पे शैतानी करता है दिख गया ना समझ लो मैं कौन सी वाली शैतानी कह रहा हूँ, क्यों सही बात है, उनको पकड़ लेंगे हम, उनको पकड़ के ना अच्छी तरह, बट मजाक से अटके यार ऐसी यार अपनी सेफ्टी के लिए करिए। इत्थे बंदे बंदियां ते बंदर तीनों बहुत मिलते हैं, क्यों सही बात है, ते असि किस नु मिस कर देवे अश्नीत भाई नु, अश्नीत भाई कह रहा था संडे राइड, तुम संडे जा ही नहीं पाओगे, तुम उठ ही नहीं पाओगे, हमारा को कहता भाई रात को बात हुई है वीडियो कॉल पे, बट कोई नहीं भाई नु मिस कर देवे, जिवें वीर जी बनाते हैं कपल के लिए जो था है, ये पहले नहीं थी बट अब बन चुकी है, अब जब हम बनाएंगे तो और ज्यादा बन जाएगी ये भी चक्कर है। और ये देख सकते हो खूनी झील, कृपया झील में ना जाएं, झील गहरी है, झील को साफ रखने में सहयोग करें, अंदर तो जा ही नहीं सकते, अंदर से हमारी भी होती है। नाम नहीं पूछा भाई, क्या भाई सैबी नाम है, सैबी नाम है भाई, आपका नाम आशु, आशु तो भाई दोनों अपने भाई मिल गए, ऐसी ऐसी बातचीत चलती रहती है, नाम तो बता दो यूट्यूब का, ओ भाई जल्दी बताते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं हम आपको, सब्सक्राइब करवा के जाएंगे नहीं, मेन चीज है घंटा सबसे पहले दबेगा, बिल्कुल। मैंने दिल्ली से मनाली की राइड करी थी, वो वाली भी वीडियो देखना, बहुत औसम सी है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, अभी आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी हम राइड करने वाले हैं, प्यार होना चाहिए बस मन में, ये पहली बार आया मैं तो, दो तीन बार आ रखा हूँ पहले, ओ बट ये है कि यहाँ पे जितनी भी बार भी आओ रास्ता कोई ना कोई भटक ही जाता है, एग्जैक्टली अपना चेहरा तो दिखा रहे भाई आ गया, सत श्री अकाल, हो मौज में, सब मौज, हमारी रक्षक है, सानू लग रहा था डर, बंदर तो डर लग रहा है जीता करके, और भाई नू शर्मा गया, मामला टाइट है, यही होना चाहिए जिंदगी जियो, किसी नू चार्ज होने तक थे और रहन दो चार्ज उंगल कर लो। ये पहले पूछते हैं प्रीत भाजी से, लोकेशन कैसी लगी है, लोकेशन है एक नंबर, यहाँ की लोकेशन बढ़िया, फोटो फोटो क्लिक करने के लिए, शूट के लिए, कपल्स वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, मतलब बेसिकली कैमरे के पीछे ही खूनी झील है, और बिल्कुल खूनी झील के सामने, खूनी झील के सामने बैठे हैं पहली बार, इसी के बारे में बात करेंगे आज। पहली बार तो ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे नेचर लवर है वो यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने देखा था आते हुए साइक्लिस्ट बहुत आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब एक्सरसाइज करने बेसिकली, सुबह का टाइम है और संडे, वैसे ही हम संडे राइड पर निकले थे तो हमने सोचा था यहाँ का प्रोग्राम बना ले, एक पेड़ों के अंदर जो सुबह सुबह एक महसूस होता है, एक सांस ठंडी ठंडी हवा, ऑक्सीजन सुबह सुबह जो ज्यादा अच्छी आती है हम लोग। खूनी झील है, इतिहास बता देते हैं कि जो गोरे लोग होते थे ना ब्रिटिशर्स का, जब यहाँ पे टाइम पे राज था दिल्ली में, ऐसे जो क्रांतिकारी हैं कुछ इंडियन सिविल है ना जिनका नाम नहीं आया, नॉर्मली पीपल्स को यहाँ पे मार के ना खत्म कर देते थे, गोरे लोग यहाँ पे सजा दे देते, सजा बोलो या उनके साथ हत्या कर के जिंदा भी डाल देते या बहुत ज्यादा टॉर्चर करके करते थे, यहाँ पे आज भी मतलब कहते हैं कि लोगों की कुछ डेड बॉडियाँ मिल जाती हैं, बाकी कितनी बात सच्ची डेड बॉडी वाली ये तो पता नहीं, बट हाँ मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, लोगों के साथ मारकाट हुई थी, क्योंकि भाई इतने टाइम से आ रहा है, मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं है इस जगह की, मैं आया था मेरे को जगह थी, अगर मैं अकेले आता तो थोड़ी सी वीडियो बना के यहाँ से निकल जाता, यहाँ पे सीन ये है कि मतलब आप कभी भी आओ तो दिन में आओ, मतलब शाम को अवॉइड, 4 बजे के बाद अवॉइड करो इस जगह को, हाँ क्योंकि जितनी ये सुंदर जगह दिखती है ना उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे जानवर भी है, और जैसे कि लोग यार इतने चिल्ला रहे हैं ऐसा लगता है वॉलीबॉल खेल रहे हैं पीछे यहाँ पे ना लोग, मतलब सुबह के टाइम पे आओ, 7 बजे के बाद कभी भी आओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन शाम को तो बिल्कुल ही नहीं आना, अवॉइड करो, खुली रहती है जगह 24 घंटे आप आ सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने अपनी लाइफ को रिस्क में लेके चलना है तो आप 24 घंटे में से रात को कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चैलेंजिंग वीडियो बनाओ, हम भी बना सकते हैं अपनी चैलेंजिंग वीडियोस, उस पे व्यूज ला सकते हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ के लिए नहीं है, हम व्यूज के लिए नहीं आए, अपने मन की शांति के लिए आए हैं, हम
किसी गलत चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते और ऐसी जगहों को प्रमोट करते हैं, अच्छी जगहों को प्रमोट करते हैं। बट अपनी सेफ्टी है, जान पहले अपनी है, बाकी तो फिर जिंदगी रहेंगे तो फिर और भी बना लोगे, वीडियोस भी बना लोगे, सारे काम कर लोगे। तो बात करते हैं हमेशा, एक बात जो मैं बात बताना चाहता हूँ, कभी भी ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना वो जैसा है वो वैसे ही रहना। जब भी आप तंग करोगे चीजों को ना तो बैक करती हाँ। है, मतलब एक्शन लेती है वो कहता है ना गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, तुम किसी तरह पंगे लोगे तो फिर वो कैसे। यहाँ पे आओ, साफ सफाई रखो यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि बाहर पार्क बहुत साफ है। और वीर जी ये बात तो आपने भी नोटिस करी होगी प्रीत भाई कि जितने भी हमने ऐसे लोकेशन गए हैं वहाँ पे इतना मतलब रैपर बोलो कूड़ा करकट बोलो बहुत होता है, बट ये वाले में आपको कहीं दिखा? कहीं ना कहीं होता है। मैं भी ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत मिला है, कई जगह पे नहीं भी मिला, ऐसी बात नहीं है। अपना अगर कुछ भी लेके आते हो तो कूड़ा वगैरह साथ लेके जाओ, पैक करके लोगे, यहाँ बिल्कुल मत फेंको। इतनी बढ़िया लोकेशन को ना सेफ रखो। और वैसे ही आजकल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था मध्य प्रदेश के इतने जंगल काटे जा रहे हैं यार। और सोचो अगर ऐसे जंगल हमारे पास नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ से होगी? पिछले महीने हमारा ऑक्सीजन लेस गया, मतलब ऑक्सीजन लोगों के पास थी ही नहीं। नेचुरल ऑक्सीजन लो, पेड़ को सेव रखो, अगर ऐसी चीजें कट जाएंगी तो हम जाएंगे कहाँ? ये बेसिकली दिल्ली का, यहाँ से दिल्ली सांस लेती है, ऐसी कई जगह है जहाँ से दिल्ली सांस लेती है। ये हो गया पूसा, हो गया अरावली के जो हिल्स जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगते हैं, ऐसे संजय वन है, ये कितने बढ़िया बढ़िया इलाके हैं। जगह मैंने बाहर देखे, दिल्ली में इतनी जगह है ना घूमने के लिए, अभी तो मैं दिल्ली नहीं प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाया कोविड के चक्कर में। अभी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू करें और आपको जगह दिखाते रहेंगे आगे भी बहुत सारी, भाई के चैनल पे भी ऐसे फिल्मों की और मेरे चैनल पे। भाई के भी चैनल पे आएंगी बाकी। चलो चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये थोड़ा सा इसका ऐसे नज़ारा, मैं कह रहे हैं अपने अपने ना कैमरे सुट के ना अंदर पानी से देखते किन्निया मछलियां दिख दी हैं। पाओ पाओ थोड़ा बढ़िया कैमरा तुसी पाओ। नहीं थोड़ा भी बढ़िया कैमरा ना भैया ने बिल्कुल सही जगह ढूंढी है। यहाँ पे ना मछलियाँ बढ़िया, तीन तीन फुट की मछलियाँ, बहुत कुछ है, बड़े बड़े कछुआ सब है इसमें। आप बता रहे कि मछलियों को खाना भी डालते, दाना भी डालते, साथ के साथ मछलियाँ यहाँ पे लेके आएंगे जो एक्वेरियम में मिलती ना, यहाँ से यहाँ पे फ्री कर देंगे इनको। बहुत सही अंकल जी, ये काम बढ़िया कर रहे हैं आपने। पर कुछ ऐसी सी लोकेशन है देख लो, ये आप पर्सनली कर रहे होंगे ना, ये थोड़ी ना सरकार की तरफ से। नहीं 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 नहीं, प्रमोद गर्ग है इनका नाम। और ये जो काम कर रहे हैं एक्सीलेंट है, ये सेवा है, सेवा भाव ऐसी होनी चाहिए। पक्षियों के लिए स्पैरो हाउस भी बनाए हैं। ओहो, अगर आप कहें तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप इन लोगों को घर में लगाइए। जो गोरैया अब खत्म हो गई है ना, हर एक आदमी अगर अपने घर में छोटा सा स्पैरो हाउस लगाए, लकड़ी के वुडन के बनवा कर, मैंने बनवाए हैं, मैं लोगों को फ्री बांटता हूँ, जिससे कि गोरैया आए, जिसको भी चाहिए हो मेरी तरफ से फ्री है। उसका पानी का वो भी दूंगा, अच्छा गोरैया हाउस भी दूंगा, ठीक है। उसे अपने घर में, अपने छज्जों में, अपनी छतों में प्लीज आप लगाओ, जिससे कि गोरैया हमारी बच सके और वो आ सके। बट वही बंदे कॉल करना जो कि बंदे यार पक्षियों के साथ कुछ गलत ना करे, जो उनकी टेक केयर ढंग से कर सके, क्योंकि इन्होंने तो भैया अपने सेवा भाव से सही तरीके से दे दी, बट आप चीज गलत मजे के लिए वो चीज गलत हो जाएगी। भैया जानवरों का भी ध्यान उतना ही बढ़िया रखना चाहिए जितना अपना रखना है। कमल, ओए होए होए होए, क्या चीज है, ओ मधुमक्खी ने, ओए रानी मधुमक्खी है। और ये देखो क्या सही लोकेशन है यार, बहुत सही। इन्होंने हमारे को जगह दिखाई है, इनके पूरे हकदार ये हैं, जितने भी प्लास्टिक वेस्टेज है खुद उठा के लेके जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने नहीं करे, लेकिन ये वातावरण को बचाने के लिए चीज कर रहे हैं। अभी प्रमोद जी की वाइफ ने बोला दिल्ली के अंदर स्वर्ग है बट लोग बनने नहीं देते। ये देख सकते इधर बिल्कुल पानी है और इधर वाहिगुरु जंगल में है, तो यही इसी को कहते हैं ट्रैक। ये देखो प्रमोद जी से तो हम विदा ले चुके हैं और उन्होंने हमारे को दिए गिलोय और एक है मेरे हाथ में कीकर, मेनली अपने दांतों को मजबूती के लिए और ताकत के लिए। बंदर आ गए हैं, प्रीत पाजी डरते हुए कहते मैं नहीं जा रहा आगे। अरे कोई ना, आओ ना यार, एवे कर दे होंगे तो फंस जाऊंगे तुसी इन्हां दे विच। प्रीत पाजी दी मेरी हालत टाइट हो गई, शकल देख सकते हो, जान दा मन नहीं हो रहा। ओरे ओहो हो। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट डाउन करके बताना। और ये लोकेशन कुछ ऐसे है प्रॉपर, जिसे पूरा जंगल बोलते ना ये वो है,
और वीर जी मिलते फिर, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, मिलते रहेंगे।